उत्तराखंड सरकार की तरफ से अगली खबर है जो राज्य में विकास की गारंटी पर काम कर रही है। लंदन से लौटे सीएम धामी ने बताया कि सरकार ने वहां 12,500 करोड़ का करार किया है। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के सीएम अपने राज्य के लिए कितना निवेश लेकर आए, ये निवेश जमीन पर कब उतरेगा, आज पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। धामी ने बताया कि लंदन में अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई और बड़े निवेश पर करार भी किया गया। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर क्योंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। धामी ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उत्तराखंड को बड़ी मात्रा में निवेश मिलेगा। धामी ने बताया कि उत्तराखंड के लिए अब 20,000 करोड़ से ज्यादा का करार हो चुका है। अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कार्टन रेजर के दिन भी हुआ था। धामी ने यह भी बताया कि G20 समिट के बाद भारत को लेकर दुनिया की सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हुई है।